जनपद मुजफ्फरनगर में थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी में एक युवक और एक युवती का अवैध तमंचे से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार हर्ष फायरिंग करने वाले युवक व युवती चचेरे भाई बहन हैं, जिसमें युवती के जन्मदिन पर एक पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलवाया था। इस अनोखी पार्टी में स्कूटी पर रखकर केक काटने के बाद पहले तो भाई ने अवैध तमंचे से फायरिंग की और फिर बहन ने भी तमंचा हाथ में लेकर हर्ष फायरिंग की। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग का ये वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जन्मदिन पार्टी पर भाई बहन द्वारा हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने के बाद पुलिस आनन फानन में इस पूरे मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो 8 दिसंबर का है। वीडियो में हर्ष फायरिंग करने वाला युवक आकाश पुत्र अशोक है और फायरिंग करने वाली युवती का चचेरा भाई है। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने कहा कि मामले की प्रत्येक पहलू पर जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो जानकारी में आया है जिसमें एक युवक और एक युवती एक पिस्टल या रिवॉल्वर कोई छोटा सा है उससे फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी जांच अभी इंस्पेक्टर कोतवाली को दी गई है और जो भी उसमें मामला निकल के आएगा या तो जो भी उनका असला लाइसेंसी है या वैध है अवैध है जो भी चीज़ है समस्त बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी।